Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. गणपति बाप्पा मोरिया. गणेश चतुर्थी सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक चलता है. इसके बाद चतुर्दशी को भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था. इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें कष्टों का निवारण होता है. सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है. इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व जो है वो 10 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है. इस दिन जो शुभ मुहूर्त है वो मध्यकाल से 11:30 से 1:33 तक है, यानी कि 2:30 तक का है. तो इस टाइम पीरियड पे आप अपने घर में गणेश भगवान को स्थापित करें. अब जानते हैं गणेश भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त. चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है वो शुक्रवार को 10 सितंबर 2021 को 12:18 से लेकर चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति रहेगी वो शुक्रवार को 9:57 तक रहेगी. तो इस टाइम पीरियड में आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें. गणेश चतुर्थी वाले दिन चांद देखने को मना किया जाता है. गणेश चतुर्थी की रात को आपको 9:12 से अगले दिन सुबह 8:53 तक चांद नहीं देखना है. अब बात करते हैं गणेश भगवान की पूजा विधि के बारे में. देवों में गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं. किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सिद्धि विनायक गणेश जी को जरूर याद किया जाता है. भगवान गणेश बहुत ही कृपालु और भक्त वत्सल्य हैं. इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में और उनके घर में सुख शांति और खुशहाली आती है. भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए ये दिन उनके जन्म दिवस का दिन है जिसको हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं. कोई गणेश भगवान को एक दिन के लिए लाते हैं तो कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए या फिर कोई 10 दिन के लिए अपने घर में लेके आते हैं. तो गणेश जी की पूजा के लिए हमें पूजा की सभी विधि विधान को अच्छे से जानने की ज़रूरत है. तो आइए जानते हैं गणेश भगवान को कैसे स्थापित किया जाए और उनकी पूजा कैसे की जाए. प्रातःकाल जब आप उठेंगे, स्नान करने के बाद नए कपड़े पहनेंगे, आपको इसके बाद एक साफ चौकी लेनी है और उस चौकी पे आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाना है. इस पीले रंग के कपड़े पे आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे और उसके बाद आप गणेश जी की मूर्ति पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे और अपने ऊपर भी आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे. उसके बाद आप एक लोटा लेंगे, उस लोटे में आप पानी डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे और 1 रुपये का सिक्का डालेंगे. उसके बाद उस पानी में आप या तो आम के पत्तों से या अशोका के पत्ते लगाकर एक नारियल लेंगे. उस नारियल पे, पानी वाले नारियल पे आप कलावा बांध देंगे और उस नारियल को आप उस लोटे पे रख देंगे और फिर उस लोटे पे आप रोली से सतिया बनाएंगे और इस लोटे को आप गणेश जी के पास रख देंगे. उसके बाद गणेश जी की पूजा के लिए आपको चाहिए लाल रंग के पुष्प, जनेहू, दूब्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल और मिठाई. मिठाई में आप सबको पता है कि जैसे गणेश जी को मोदक पसंद है तो आप मिठाई में उनका मन पसंद मोदक रखें. उसके बाद आप गणेश जी के सामने घी का दिया जलाएं, धूप जलाएं, बत्ती जलाएं. उसके बाद आप अपने हाथ में, सीधे हाथ पे आप थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और आप उसमें पुष्प रखेंगे. उसके बाद आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आप संकल्प करेंगे
अपने व्रत का, और अगर आप व्रत नहीं रख रहे, आप जिस जितने भी दिन के लिए अपने घर में गणेश भगवान लेके आ रहे हैं उतने दिन का आप संकल्प लेंगे कि मैं इतने दिन के लिए गणेश भगवान अपने घर लाया हूँ, मेरे घर को आप सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि से भरें, ऐसा संकल्प लेके आप ये जल जो है गणेश जी के चरणों में छोड़ेंगे। उसके बाद आप वहीं बैठकर गणेश जी की स्तुति पढ़ेंगे, गणेश जी का पाठ करेंगे, या आप 108 बारी ओम गम गणपते नमः का जाप करेंगे। याद रखें, गणेश भगवान की पूजा में हम गणेश जी को तुलसा जी नहीं चढ़ाते हैं, तो आपको गणेश जी को तुलसा जी नहीं चढ़ानी है। उसके बाद आप गणेश भगवान की आरती करें, हाथ जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें। इस तरीके से आप रोज गणेश भगवान की पूजा करें, जितने दिन भी आप गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बापा आपके घर में बहुत सारी खुशियां लाए, आपके परिवार में बहुत सारा स्नेह प्यार लाए, आपका जीवन रिद्धि सिद्धि से भरा रहे, आप बहुत तरक्की करें। मेरी यही दुआ है गणेश भगवान से आप सभी के लिए। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।